हेलो बच्चों, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम मिनटों में पता लगा लें किसके बारे में, मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में। हमसे केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है कि कैसे हम स्पीसीज को देख करके जाने कि ये डाया मैग्नेटिक है या पैरा मैग्नेटिक है। सर, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है क्या कि हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का इस्तेमाल ना करना पड़े? बच्चे बराबर मैसेज करते रहते हैं, सर इसको लर्न करना बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, सर इसको लर्न करता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं आज एक बेहतरीन सा मेथड देता हूँ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सम रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन सम रूल। इलेक्ट्रॉन सम रूल आपको जब आप मैग्नेटिक करेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके रास्ते को इतना आसान कर देगा कि आपको मजा आ जाएगा। कैसे, जरा देखिए। इलेक्ट्रॉन सम रूल बोलता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है, या दूसरा कंडीशन कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन होगा तो उस केस में स्पीसीज होता है डाया मैग्नेटिक। क्या होता है? डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे इसे तो इट विल फील रिपल्शन। अब जरा देखना, बट एक्सेप्ट ऑफ 10 and 16, ये दो इसके एक्सेप्शनल हैं, इनको ध्यान रखना कि अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 या 16 है तो इवन होते हुए भी ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड एक्सेप्ट ऑफ 10 एंड 16 इन ऑल केसेस, इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन देन स्पीसीज विल डायमैग्नेटिक। एवरी टाइम स्पीसीज विल डायमैग्नेटिक, ओनली एक्सेप्ट ऑफ दीज टू केसेस when the total number of electron is 10 and 16, in this case species is paramagnetic, paramagnetic। तो बताइए आपका रास्ता बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं? यहाँ तो बिल्कुल ही आसान सी बात है, odd है तो एकदम दिल खोल के बोलो क्या हो जाएगा, paramagnetic हो जाएगा। अब हमें इसका use क्या है, हमें इसके फायदे क्या हैं, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, चलो देखो कैसे यूज कर सकते हैं। C2, Be2, Li2, O2, F2, N2, N2+। पूछेगा कि बताओ कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। मैंने कहा अच्छा भाई, इसके लिए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लगाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, रंजीत सर ने मुझे एक वीडियो में बना के बताया था। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन सम रूल बताया था। इलेक्ट्रॉन सम रूल क्या कहता है? इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन देन स्पीसीज विल डायमैग्नेटिक, बट ऑलवेज रिमेंबर नॉट इन केस ऑफ 10 and 16। अगर 10 एंड 16 है तो इवन होते हुए भी स्पीसीज क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। एंड इफ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑड देन रिमेंबर ऑलवेज स्पीसीज विल पैरामैग्नेटिक। अब एक चीज जानते हो, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करता है और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करता है, ये भी जानते रहना। अब जरा देखो C2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, मैं तो काउंट कर लूंगा, 6 + 6 कितना होता है, 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12। अच्छा 12 तो एक इवन वैल्यू है, अगर एक इवन वैल्यू है तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Be2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है, 4। 4 × 2 = 8। अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इवन। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो स्पीसीज क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। Li2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 × 2 = 6। ओहो, इसका भी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। O2 8 × 2 = 16, इवन। इवन है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अरे भैया क्या बताया मैंने पीछे आपको, 16 पे जरा थम जाना, जरा रुक जाना, जरा पानी पी लेना, जरा याद कर लेना, जरा समझ लेना, जरा सोच लेना कि 16 पे ऐसा करोगे तो कीमत चुकाओगे, वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। बिकॉज इन केस ऑफ 10 एंड 16 इवन द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन, आइदर बीइंग इवन द स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। ओके, F2 में कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, 18। अच्छा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। N2 में कितना है, 14। अच्छा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। N2+ में कितना है, 13। अच्छा तो क्या
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताना, तो पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आया होगा, ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको बहुत मदद करेगा किसी भी स्पीसीज को अगर आप क्लासिफाई करना चाहेंगे किन दो पार्ट्स में, इन दो पार्ट्स में, आइदर इट इज डायमैग्नेटिक और इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, आज के लिए तो पर्याप्त है, थैंक यू।